Hi, my name is Mohit Malhotra and you're watching me on Telebytes. Subscribe and click the bell icon for television updates. बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके और मैं खुद एक खुद इंस्पिरेशन मिल गई है मुझे यहाँ पर आने के बाद कि मुझे पता लगा कि 15 साल की बच्ची ने किताब लिखी है. तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो वर्ल्ड है इट्स इवॉल्विंग वेरी फास्ट. आने वाली जनरेशन जो है बहुत ही आगे है हम लोगों से और वील हैव टू कीप अप विद दैम. और बहुत अच्छा लगता है कि आप जब छोटे छोटे बच्चे इतने यंग टैलेंट जो इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं आपको उस रेस में शामिल होना पड़ेगा और उनके साथ यू नो यू हैव टू कीप अप विद दैम. मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ और आजकल मैं किताबें पढ़ने से ज़्यादा किताबें सुनने लग गया हूँ. तो क्योंकि वो गाड़ी में जब जा रहे होते हैं तो आप सुन भी पाते हैं और मुझे ऑटोबायोग्राफीज़ और बायोग्राफीज़ पढ़ने और सुनने में बड़ा मज़ा आता है. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लोगों की जीवनी जानने में कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कैसे वो वहाँ तक पहुँचे, वो जानने की अब बहुत उत्सुकता होती है. हाल ही में मैं पढ़ रहा हूँ एक किताब है, हु इज़ माइकल ओविट्स. तो माइकल ओविट जो है वो CAA, एक बहुत बड़ी क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी LA की, US की काफ़ी बड़ी एजेंसी है जो बड़े बड़े आर्टिस्ट को मैनेज करती है. तो उनके बारे में, उन्होंने अपनी जर्नी कैसे शुरू करी और कैसे इतना बड़ा जो एम्पायर खड़ा किया, काफ़ी नामी ग्रामी हैं वहाँ के. वो रक्षाबंधन आ रहा है तो मेरी बहन जो है वो दिल्ली से यहाँ पर आ रही हैं तो उनके साथ काफ़ी सारी सेलिब्रेशन होगी. मेरा भाई, मेरी बहन, हम साथ में यू नो सोच रहे हैं शायद वील टेक अ वीकेंड आउटिंग समवेयर. तो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. अब जब सब साथ में मिलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है. यू नो काफ़ी टाइम हो जाता है हम अलग अलग शहर में रहते हैं तो जब ये ऐसा मौका होता है, ऐसे त्यौहार होते हैं जब सब साथ में मिल पाते हैं तो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज फेस्टिविटीज़. आखिर में लास्ट मेरी फिल्म आई थी हिना खान के साथ जो विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट की थी, हैक्ट. और उसके बाद हमने नागिन 5 भी साथ में किया था. वी इंट्रोड्यूस द होल कास्ट. तो अब जल्द ही एक प्रोजेक्ट आएगा, आई एम ऑलरेडी इन द मिडस्ट ऑफ इट. तो जैसे ही वो आएगा आप सबको जानने को मिलेगा उसके बारे में. मैं खुद एक म्यूज़िक लेबल भी चलाता हूँ जिसका नाम है रूट्स म्यूज़िक. हमारे खुद के कुछ 15 से 20 गाने हैं जो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं. अब मुझे लगता है कि एज एन एक्टर ऑल्सो हैव टू यू नो कम बैक इन द म्यूज़िक सीन. हाल ही में मेरी एक म्यूज़िक रिलीज़ हुआ था मिस पूजा के साथ में, जो टी सीरीज पर रिलीज़ हुआ था, सोना सोना मुंडा. तो आप वो देखें, वो बहुत अच्छा है. और अब मुझे लगता है कि म्यूज़िक वीडियो का जो सीन है काफ़ी बढ़ता जा रहा है तो अब मुझे लगता है कि आई हैव टू डू मोर वीडियोज़ एज एन एक्टर ऑल्सो. देखिए, बिग बॉस एक ऐसा शो है जो मुझे ऑफ़र तो होता है लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि ये वक्त सही है मुझे बिग बॉस करने का. तो मैं बड़ा पोलाइटली उन्हें मना कर देता हूँ और होपफुली यू नो एट सम पॉइंट लाइक दे से नेवर, जब मुझे लगता है कि वक्त सही होगा, आई लव टू डू दैट शो. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि हम रियल लाइफ में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, हमारी काफ़ी बातचीत होती है तो मुझे लगता है कि केमिस्ट्री जो है लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है उस वजह से. और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट आए जो हमें यू नो डायरेक्टर्स और यू नो हूएवर प्रोड्यूसर्स डिसाइड टू कास्ट अस टुगेदर, इट विल बी ग्रेट टू वर्क अगेन टुगेदर विद हिम. ओके सर, जाते-जाते ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे काम को सराहते हैं और जल्द ही एक नया काम भी आने वाला है जो आई एम श्योर आपको सबको पसंद आएगा. सो कीप लविंग, कीप शावरिंग योर लव एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड यू ऑलवेज लव्ड मी एंड कीप वॉचिंग टेलीबाइट्स.